अमेरिका और ताइवान की दोस्ती से भड़का चीन लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। इन सब के बीच ताइवान ने चीन को करारा जवाब दिया है। वैश्विक स्तर पर युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी बड़ी खबरों को देख लेते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। चीन ने ताइवान पर हमला करने की धमकी दी है। यूएस मिलिट्री जनरल के हवाले से ये खबर है। अमेरिका और ताइवान की दोस्ती से चीन भड़का हुआ है। चीन ने कहा कि यूएस आर्मी ताइवान पहुंची तो फिर युद्ध होगा। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी सेना ताइवान में बढ़ती अमेरिकी सेना की दखलंदाजी का बदला लेगी। पीएलए युद्ध भी कर सकती है। खबर है कि ताइवान की मदद के लिए अमेरिकी सेना वहां पहुंचने लगी है। चीन लगातार ताइवान को डराने में लगा हुआ है, लेकिन ताइवान चीन को करारा जवाब दे रहा है। ताइवान ने साफ कर दिया है कि चीन उसे कमजोर समझने की भूल न करे। सुरक्षा के लिए ताइवान अमेरिका पर निर्भर नहीं है। ताइवान अमेरिका से हथियार खरीदता रहेगा। चीन के फाइटर जेट्स ने एक बार फिर ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की। इस बार पीएलए के Y-8 एयरक्राफ्ट ताइवान में घुसे। ताइवान ने कहा कि वो चीन की हरकतों पर नजर रखे हुए हैं। चीन ताइवान को डराने के लिए लगातार उसके एयरबेस में घुसपैठ कर रहा है। चीन को करारा जवाब देने के लिए ताइवान ने भी बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान की सेना ने ड्रिल के जरिए अपना जौहर दिखाया। इस ड्रिल में ताइवान की सेना के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए। ताइवान ने चीन पर हमले के लिए मिसाइल फाइनल कर दी है। ताइवान ने अपने आर्मी बेस पर एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल तैनात कर दी है। 200 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल के जरिए ताइवान चीनी वॉरशिप को निशाना बना सकेगा। चीन ने अमेरिका पर साउथ चाइना सी में जासूसी करने का आरोप लगाया। चीन का आरोप है कि अमेरिकी जासूसी विमानों ने कोड नेम बदलकर उड़ान भरी और साउथ चाइना सी में चीन के रक्षा अभियान की जानकारियां जुटाई। चीन का आरोप यह भी है कि अमेरिकी विमानों ने 100 से ज्यादा बार कोड नेम बदलकर उड़ान भरी है। रूस की सेना ने दक्षिणी सैन्य क्षेत्र और कैस्पियन सी में कोकास 2020 सैन्य अभ्यास के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान आर्मी और एयरफोर्स ने अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। रूसी जवानों ने जमीन, आसमान और समुद्र में सैन्य जौहर दिखाया। रूसी सैनिकों की कोकास 2020 सैन्य अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा टल गया। रूसी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च करते वक्त वो भटक गया, जिसकी वजह से सैनिकों के बीच भगदड़ मच गई। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,